सोनिया जी, हाय, वेलकम टू शो। ओके, आज कुछ स्पेशल आ रहा है, दिख रहा है बहुत कुछ, तो आप तैयारी कर चुकी हैं। क्या स्पेशल आज बनेगा? आज हम बना रहे हैं हरियाली पनीर टिक्का और रेनबो नटी राइस। ओके, तो देखो बहुत ही कलरफुल नाम है, तो एक तो हरियाली पनीर टिक्का बनाएंगे आप और एक बनाएंगे रेनबो नटी राइस। तो हम क्या बनाएंगे? पनीर टिक्का हरियाली वाला बना लेते हैं पहले। अच्छा, ठीक है, हरियाली पनीर टिक्का, मतलब यूजुअली पनीर टिक्का लोग बनाते हैं, लेकिन हम लोग उसके साथ हरियाली इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि हम इसमें पुदीना का अच्छा फ्लेवर देंगे और इसमें कलर हम ग्रीन कलर बेस रखेंगे और मिंटी फ्लेवर बनाएंगे। इसके लिए क्या क्या चाहिए हमें? सबसे पहले तो ग्रीस करने के लिए इसमें हमें घी चाहिए और चाट मसाला, लाल मिर्च, कॉर्नफ्लावर, मुनासी का जीरा, गरम मसाला, नमक, सर्व करने के लिए चटनी, ओके, और सूखा धनिया, क्यूब्स में कटे हुए टमाटर, टूथपिक, क्यूब्स में कटे हुए हमें प्याज और क्यूब्स में कटी हुई शिमला मिर्च, और ये अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और पुदीने का पेस्ट है। अच्छा, पेस्ट बनाने सब क्यूब्स में कटे हुए हमारे पास पनीर के पीस, और ये हमारे पास बंधा हुआ दही और ग्रीन कलर। चलिए शुरू करते हैं कि क्या स्पेशल आज हम करने वाले हैं। पहले मैं मैरिनेशन को मिक्स कर देती हूँ और फिर हम इसको वेजिटेबल्स के साथ मिक्स कर लेंगे। ओके, पहले मैरिनेट करने के लिए इसको पहले से अच्छे से मिक्स करें। हाँ, सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा बंधा हुआ दही तकरीबन तैयार कर सकते हैं। हाँ, इसको आप छन्नी में रख दीजिए 2 घंटे के लिए, अच्छा सा क्रीमी आपका दही होगा। दही थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए क्योंकि वो मैरिनेट होते वक्त भी या वो टेस्ट आएगा, बिल्कुल रिच टेस्ट। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डालती हूँ, ये हमारी 1/4 टीस्पून। ओके, 1/4 टीस्पून। अब मैं इसमें रेड चिली पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर आप तीखा खाते हैं, हाँ, मैरिनेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा तीखा रखिए, और हमने पेस्ट में भी हरी मिर्च यूज कर रहे हैं तो मैं बहुत ज्यादा भी तेज नहीं कर रही। बाद में हम थोड़ा सा मैरिनेशन को टेस्ट भी कर सकते हैं अगर आपको तीखा और करना है, क्योंकि वो मैरिनेट करना है। बिल्कुल, ये हम इसमें ऐड करते हैं कॉर्नफ्लावर, अराउंड 1 टेबल स्पून हो जाएगा ये इसके बांधने के लिए और क्रिस्पीनेस भी देगा। भुनासी का जीरा, इसका टेस्ट और अलग आता है, बिल्कुल इसका फ्लेवर अलग आएगा। गरम मसाला, इसको शार्प करेगा, और इसके बाद हम इसमें यूज करते हैं नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1.5 टीस्पून अराउंड जा सकता है इसमें। इसके बाद सूखा धनिया, सूखा धनिया 2 टीस्पून अराउंड। इसमें हमने जो लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और पुदीने का पेस्ट लिया है, अराउंड 1.5 टेबल स्पून आप इसमें जितना फ्लेवर हमने हरी मिर्च डाली है, अदरक डाला है, लहसुन भी है, लहसुन भी और हरी मिर्च तीखे टेस्ट के लिए। बिल्कुल, तो ये मैरिनेशन हम मिक्स कर लेंगे। ये जो ग्रीन कलर है बिल्कुल बिल्कुल अच्छा ग्रीन शायद दिख रहा है। मैरिनेशन पहले मिक्स करने से क्या होगा कि वेजिटेबल्स में उसको हम अच्छे से पोर कर सकेंगे। ओके, हाँ मतलब एक साथ ना मिलाएं, पहले मैरिनेशन को तैयार कर लें फिर उसके बाद इसमें आप सब्जियां जो है वो। हाँ, चलिए अब मैं थोड़ी सब्जियां ले लेती हूँ। सबसे पहले मैं टमाटर क्यूब्स में जो हमने काट के रखे हुए, बिल्कुल, इसके बाद मैं ले रही हूँ प्याज, आप इसकी जगह बेबी कॉर्न भी ले सकते हैं, हाँ, वो भी बिल्कुल, हाँ। और आप चाहें तो इसके अंदर थोड़े से पाइन एप्पल्स भी ले सकते हैं, ओके, उससे थोड़ा स्वीट एंड सॉल्टी, थोड़ा टैंगी टेस्ट भी अच्छा आएगा। शिमला मिर्च भी ले ली मैंने इसमें, और क्यूब्स में मेन जो इसका इंग्रेडिएंट है पनीर, थोड़ा सा अच्छा साइज में, हाँ। ये मैंने ले लिए और अब मैं इसके अंदर मैरिनेशन को पोर कर देती हूँ। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि मैरिनेशन के साथ ये सब कुछ साथ में मिक्स करते हैं, उससे हमारी जो वेजिटेबल्स कटी हुई है वो टूटने का भी डर, पनीर बहुत सॉफ्ट होता है तो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता, शिमला मिर्ची के अंदर नहीं अच्छे से जा पाएगा, तो इसलिए पहले हमने अलग से मिक्स कर लिया इसको ताकि अच्छे से मैरिनेशन का जो मसाला जो हमने बनाया है वो पहले से अच्छे मिक्स हो। बिल्कुल, अब इसको हम 20 मिनट्स के लिए फ्रिज में मैरिनेशन के लिए रखेंगे। ओके, सेट होने के लिए। हाँ जी, हमने मैरिनेशन इसमें रेड कर दिया, हमने इसको फ्रिज में रख देते हैं 20 मिनट। चलिए इसको फ्रिज में रख देते हैं 20 मिनट्स के लिए, 20 मिनट बाद देखते हैं कि ये फ्रिज में से निकलने के बाद कैसा हो जाता है, एकदम सेट हो जाएगा, और इसके बाद इसको करेंगे ग्रिल। तो ये मैं फ्रिज से निकाल के ले आई हूँ,
यम्मी पनीर टिक्का, हरियाली पनीर टिक्का ये सेट हो चुका है और इसे जल्दी जल्दी बनाइए क्योंकि इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। हालांकि ये सेट है पूरी तरह से, अब बस हम इसे ग्रिल करेंगे। ग्रिल करेंगे, इसके लिए पहले ट्री को हम अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं और हमने ओटीजी को हाई रैक हाई पे उसको प्री हीट कर दिया है और इसको हम हाई रैक पे ही इसको करेंगे और इसका टॉप वाला पोर्शन हमने गर्म किया है फॉर ग्रिल। ओके ठीक है, सबसे पहले हम एक टमाटर का पीस, देन हम लेते हैं शिमला मिर्ची के साथ में पनीर और एक पीस हम लेते हैं प्याज का। हम चाहे तो लॉन्ग स्टिक पे बना सकते थे लेकिन ये ज्यादा इजी रहेगा, इजी रहेगा और आपको सर्व करने में भी इजी रहेगा। बिल्कुल, तो हमें मतलब और जो हरियाली जो हमारा मेन इसका हमने वो बनाया है इसके डिश में इसका जो नाम है हाँ। पनीर टिक्का तो ऐसे ही बनाते हैं, कुछ और इसकी चीजें होती हैं ऐसी बारीकियां जो उसमें हमें ध्यान रखनी चाहिए? बस इसको ग्रिल अच्छे से करना है तो उसका टॉप वाला पोर्शन होना चाहिए और प्री हीट प्रॉपर होना चाहिए आपका माइक्रोवेव या ताकि वो जल्दी से अच्छे से और बर्न इफेक्ट आने तक आप इसको ग्रिल करेंगे। अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं, देसी घी या बटर से ये भी जरूरी है। एक बार हम टर्न भी कर देंगे 50% जब इसका टाइम हो जाएगा। ओके तो एक बार टर्न कर देंगे इनको ताकि ये जले भी ना और ये अच्छे से अच्छे से सिके, तो ये बहुत जरूरी है कि अच्छे से सिके। तो मतलब ये जो फाइनली रेडी हो चुका है अब इसमें बस करेंगे ग्रिल और ये हो जाएगा 20 मिनट्स में रेडी। चलिए ठीक है, तो 20 मिनट्स ग्रिल कर देते हैं। ये प्री हीट हो चुका है और इसको अराउंड 15 to 20 मिनट्स में ये रेडी हो जाएगा। टॉप पे 200 पावर पे मैं इसको ग्रिल कर रही हूँ। बिल्कुल अच्छे से ग्रिल हो गया, बर्न इफेक्ट आ चुका है इसमें, मतलब इतना यम्मी लग रहा है ये बर्न इफेक्ट आ चुका है। बर्न इफेक्ट है, क्या खुशबू है, आई कांट टेल यू कि एक तो इसमें बर्न इफेक्ट भी आ गया और ये थोड़ा सा सेट हो जाए ठंडा हो जाए बस उसके लिए रुक रहे हैं यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए।